हाय, तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग फोन के बारे में जिसको मैं थोड़ा टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड उसका नाम है आईकू 95G। पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो वेरिएंट मेरे पास में है इसको हम अल्फा वेरिएंट बोलते हैं। 256 GB स्टोरेज और 12 GB रैम प्लस 4 GB वर्चुअल रैम के साथ। इसके फ्रंट में हमें 6.78 इंच का एक डिस्प्ले मिलता है जो कि E5 है एंड उसके अलावा एमोलेड भी। इसी डिस्प्ले में हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। पीछे हमें एक ग्लास मिलता है जो कि डबल टोन है। नीचे एक मैट फिनिश है आईकू की ब्रांडिंग के साथ में एंड ऊपर में पावर्ड बाय V1+ चिप लिखा हुआ है जो कि एक कार्बन फाइबर फिनिश के ऊपर है, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ये BMW के पार्टनरशिप में बना है। उसी के साइड में अगर हम देखें तो हमें 3 कैमरा मॉड्यूल्स मिलते हैं। मेन कैमरा मॉड्यूल हमें 50 MP का G5 सेंसर मिलता है, उसके साथ ही 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 12 MP का प्रोफेशनल पोर्ट्रेट सेंसर। मैंने इसके कैमरा को लेकर वीडियोज भी बना करके देखी एंड फोटोज भी लेकर के देखी, स्काई की, पेड़ों की, पौधों की, मेरी, बहुत कुछ। एंड ये चीज मैं कह सकता हूँ कि इसकी वीडियो क्वालिटी एंड इसकी फोटो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अगर हम इसके बैटरी के बारे में बात करें तो हमें 4700 mAh की बैटरी मिलती है जो कि बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, क्योंकि जब मैंने इस फोन को यूज किया तो फिर 41 आवर्स हो गए थे मेरे को इसको चार्ज किए हुए 100% तक, और उस पे मेरे को 11 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिला एंड उसके अलावा भी ये 4 घंटे और दिखा रहा था मेरे को। एंड मोर ओवर ये 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। बट एक चीज जो मेरे को इसके चार्जर के बारे में बहुत बुरी लगी वो है, तो C2C एंड PD चार्जर भी है, बट मैं जब इधर से चार्जिंग पे लगा रहा था एंड उधर की तरफ में मेरे को लग रहा था कि वो चार्जिंग पे लगा हुआ है, जो पोर्ट है चार्जिंग केबल उससे थोड़ी सी बाहर रहती है, वो परफेक्टली अंदर फिट होकर स्नग नहीं हो जाती जैसे फोन में होती है। तो काफी बारी मैंने फोन को चार्ज पे लगाया एंड उसके बाद भी वो लूज हुआ तो मेरे को बार बार प्लग चेक करना पड़ता था। हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम थी ये सिर्फ मेरे वाले वेरिएंट के साथ में हो। इसके अलावा बिकॉज इसमें 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग है तो फिर ये 8 मिनट के अंदर 50% चार्ज हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। इसमें हमें 8+Gen 1 का प्रोसेसर मिलता है जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में। इसमें मेरे को गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, उसके अलावा मेरे को इसमें हीटिंग वगैरह का कोई इशू नहीं मिला है। बट वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसमें जो V1+ चिप लगी हुई है वो हमारा फोटोग्राफी एंड गेमिंग सेक्शन में इसको आउट परफॉर्म करने में बहुत हेल्प करती है। तो मेरे हिसाब से जो मेरे को इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैटरी लाइफ मिली है वो V1+ चिप के प्रेजेंट होने की वजह से ही मिली है। इस फोन का वैसे तो प्राइस 59,999 है अमेज़न पे, बट आप इसको 54,999 पे भी खरीद सकते हो एंड ये काफी अच्छा स्टील ऑफर है। अगर ये फोन को देखने में या इसके बारे में और जानने में इंटरेस्ट हो तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख सकते हैं। अगर ऐसे शॉर्ट सी क्रिस्पी सी वीडियोस पसंद है तो नीचे लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। Dreaming, maybe I'm dreaming. This ain't Christopher Williams. Still some MCs got the.